साहब अपना वादा पूरा करो, पूरा करो, पूरा करो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। सभी हाथ ऊपर करो, मैं हाथ ऊपर करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। करो सम्मान करो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएमसीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। डीएमसीएम मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर पट्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भयंकर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। दोबारा से सीएम सिटी में आने के लिए हमें फिर से मजबूर होना पड़ा है, क्योंकि दैया साहब ने 27 तारीख को जो वादा किया था 14 तारीख तक हमें सबको एडजस्ट करने का, 12 सून यहाँ तक कह गए थे कि आपके बाद जो वेटिंग में है उनको भी एडजस्ट कर देंगे। उन्होंने अपने इतने लुभावने शब्दों में हमें ये कहा तो हमने उनकी बात मानी, अनशन भी तोड़ दिया और धरना भी हमने उठा लिया था। लेकिन अब उनसे बात करने के बाद लगता है कि वो अपना वादा नहीं निभा रहे हैं और हरियाणा सरकार खुद जिम्मेदार है इसकी, क्योंकि हरियाणा सरकार के द्वारा ही प्रेशर बनाया जा रहा है, शायद डीएससी पर या किसी भी तरह के शिक्षा विभाग के ऊपर, हमें नहीं मालूम। लेकिन 1259 जो बाहर निकाले गए हैं वो एकदम अवैध तरीके से निकाले गए हैं, इसमें सरकार की बिल्कुल गलत नीतियां हैं और गलत नीतियों के कारण जो प्रभावित हो रहे हैं शिक्षक, वो अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं। क्या रणनीति बनाई है? रणनीति बनाई है, हम 24 घंटे का अल्टीमेटम दे रहे हैं आज सरकार को, उसके बाद जो कुछ भी होगा आत्मघाती कदम उठाएंगे और ये सारी पूरी जिम्मेदारी इसकी सरकार की होगी। शुरू कर दिया हमारे कल से शुरू कर रहे हैं।